सीआईटी एन टी के जरिए पेश है सफा नंबर 136, 18, एक सौ छत्तीस सबक अठारह नज्म एकता नज्म निगार शास वो पूरब हो या पश्चिम हो फूलों की महक तो एक सी है हर बीज खजाना होता है हर मिट्टी सोना होती है हर सागर अमृत सागर है हर सीप के दिल में मोती है बिखरे हुए तारे लाख सही पर उनकी चमक तो एक सी है वो पूरब हो या पश्चिम हो फूलों की महक तो एक सी है सफा नंबर एक सौ सैतीस सब एक गगन के मत वाले सब एक जमीन के पाले हैं सब एक ही सूरज की किरने सब एक ही चांद के हाले हैं वो उत्तर हो या दक्षिण हो सतरंग धनक तो एक सी है वो पूरब हो या पश्चिम हो फूलों की महक तो एक सी है सुख हो तो दिल खिल जाते हैं दुख हो तो आंख भर आती है दुख सुख की दुनिया एक ही है तफरीक धरी रह जाती है पौधे तो हजारों होते हैं टहनी की लचक तो एक सी है वो पूरब हो या पश्चिम हो फूलों की महक तो एक सी है सफा नंबर एक सौ अड़तीस मश्क लफ्ज और मानी एकता इतिहाद मेलजोल सागर समंदर अमृत वो पानी जिसको पीकर इंसान अमर हो जाता है सीप एक किस्म के दरियाई कीड़े का खोल जिसके अंदर से मोती निकलते हैं गगन आसमान मतवाले मस्त मदहोश सतरंग सात रंग धनक कौसे कुजा, सात रंगों वाली कमान जो बारिश के दिनों में आसमान पर दिखाई देती है आंख भर आना आंखों में आंसू आ जाना रोहासा होना तफरीक फर्क भेदभाव गौर कीजिए उर्दू एक मीठी जबान है ये इसलिए मीठी है कि इसके अल्फाज बोलने में आसान और सुनने में भले मालूम होते हैं उर्दू कई जबानों से मिलकर बनी है इसमें अरबी और फारसी के अलावा हिंदी के भी मीठे मीठे बोल शामिल हैं सफा नंबर एक हिंदी के ऐसे बहुत से लफ्ज जैसे पूरब पश्चिम सागर अमृत गगन उत्तर दक्षिण सुख दुख वगैरह आप नज्म एकता में पढ़ चुके हैं इन लफ्जों में जो मिठास है वही इस नज्म के मानी में भी मौजूद है इस नज्म में शायर ने एकता का सबक दिया है और पूरा पश्चिम की मिसाल देकर यह समझाया है कि ये दोनों अलग अलग हैं मगर उनके फूलों की खुशबुओं में कोई फर्क नहीं यानी सारे फूल खुशबूदार होते हैं पूरा पश्चिम की मिसाल इसलिए दी गई है कि ये दोनों दुनिया के दो कोने इसलिए बहुत दूर हैं मगर दूर होने के बावजूद उनकी खुशबू में कोई फर्क नहीं इसी तरह सारी दुनिया के इंसान चाहे वो किसी भी जगह रहते हों एकता के बंधन में बंधे होते हैं सोचिए बताइए और लिखिए एक हर बीज को खजाना क्यों कहा गया है दो सब एक जमीन के पाले हैं से क्या मुराद है तीन शायद ने क्यों कहा है कि धरी रह जाती है चार चारों सिमतों के नाम क्या हैं? इन मिसरों को सही लफ्ज से पूरा कीजिए एक हर सीप के दिल में खाली जगह है दो सब एक ही चांद के खाली जगह हैं। तीन हर मिट्टी खाली जगह होती है चार सब एक ही खाली जगह की किरणें। सफा नंबर एक सौ चालीस दिए गए लफ्जों से जुमले बनाइए खजाना मिट्टी चांद दुख सुख तफरीक मोती इमला के एतबार से बताइए कि क्या ये सही है या गलत मीम बड़ी है काफ महक काफ दो चश्मी है जे अलिफ नून छोटी है खजाना सीन वाओ नून अलिफ सोना शीन अलिफ गाफ रे शागर मीम वाओ ते छोटी मोती जीम मीम छोटी ये नून जमीन ते फे रे छोटी ये काफ तफरीक, अलिफ मद आ, नून काफ दो चश्मी है आंख छोटी है जीम अलीफ रे वाव, नून गुन्ना हजारों सीन बाओ रे जीम सूरज फे वाव, लाम फूल दाल काफ दो चश्मी है नून तशदीद दखिन यहां कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसमें आसमान सूरज और एक पेड़ दिखाया गया है इन तस्वीरों को पहचान कर दो दो जुमले लिखिए सफा नंबर एक सौ इकतालीस यहां काफ के साथ ब्रैकेट में तीन हरूफ दिए गए हैं उनमें से दो हरूफ चुनकर काफ के पहले लगाकर नया लफ्ज बनाइए पहले ब्रैकेट में हैं लाम पे बे दूसरे ब्रैकेट में हैं टे चे नून तीसरे ब्रैकेट में हुरूफ हैं, दाल दो चश्मे है डाल दो चश्मे है नून चौथे ब्रैकेट में हरूफ हैं, लाम जीम चे यहां एक नक्शा दिया गया है जिसमें चार समत बताई गई हैं मशरक यानी पूरब मगरब यानी पश्चिम शुमाल यानी उत्तर जुनूब यानी दक्षिण इस नक्शे को जहन में रखिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बटीलैंग लिंगडो समय फनकार परवेज गौहर और शिमाइला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेश करदा सी आई ई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली भारत